Please subscribe my channel. It's totally free to subscribe and also press the bell icon for my latest updates. Hello guys, welcome back to my channel. कोई भी festive season हो, मीठे के बिना तो कभी पूरा नहीं होता. तो इस festive season मैं आपके साथ share कर रही हूँ एक बहुत ही delicious recipe जो है शीर कुर्मा, जो बहुत सारे dates, dry fruits और घी के साथ बनता है और खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है. तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएं इसे. तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख ली हैं. मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क, जो कि फुल क्रीम मिल्क है, और डेट्स मैंने इसे ओवरनाइट सोक किया हुआ था और इसे कट कर लिया पीस में. पिस्ता और बादाम भी मैंने सोक किए थे और उसे पीसेस में कट कर लिया. काजू, इसे भी मैंने 3-4 आवर्स पहले सोक कर लिया था. और रेजिन, और हमें चाहिए इलायची पाउडर और बहुत सारा घी, जिससे हमारी शीर कुर्मा बहुत ही रिच बनेगी. और वर्मिसेली. और शुगर. तो सबसे पहले मिल्क को आप बॉईल करने के लिए रख दें और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये हाफ ना हो जाए. और सेकंड स्टेप, हमने यहाँ पे पैन में घी ले लिया है और अब हम फ्राई करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स, ये गए काजू और बादाम. अब डालेंगे पिस्ता. ये हमारे डेट्स. और किशमिश. और अब हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक. अब ये हल्के से ब्राउन हो गए तो हमने इन्हें निकाल लिया है और अब फ्राई करेंगे हम वर्मिसेली को. इसे भी थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है. और अब मिल्क भी बॉईल हो गया है, एटलीस्ट ये हाफ हो चुका है. और अब हम इसमें शुगर डालेंगे और शुगर आप धीरे धीरे डालें, एक साथ ही नहीं डालें और इसे चलाते रहना है. और अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और थोड़े से केसर, जिससे हमारा एक अच्छा सा कलर आ जाएगा. और अब हमें डाल देना है ड्राई फ्रूट्स और इसे थोड़ा सा पकाएंगे. वर्मिसेली अब हमें इसे अच्छे से पकाना है 5-10 मिनट के लिए, एक अच्छा सा उबाल आ जाए. और अब हमारी शीर कुर्मा रेडी है, तो इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे. तो इस फेस्टिव सीज़न आप भी इसे ट्राई करें अपने घर पे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें.
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।